हेलो राइट गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, वाले वीडियो में फिर से लेकर आ चुका हूँ WWE 2K23 का गेम प्ले, और इसमें मैं मैच करने जा रहा हूँ खतरू टीम वर्सेस इंडियंस टीम, जिसमें इंडियंस की टीम में है वीर महान, सेंकी एंड जिंदर महाल। और यहाँ पर हमारी खतरू टीम में तो आपको पता ही है कौन है, जॉन सीना, रोमन रिंग्स एंड ब्रॉक लेसनर। और इस मैच में मैंने सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स का अरीना चूज करा है। इस मैच में एलिमिनेशन ऑन है और नॉकआउट भी ऑन है, और देखते हैं कौन मैच शुरू करता है। तो यहाँ पर मैच शुरू कराया जॉन सीना और सेंकी ने। और गाइस, इस मैच में मुझे मतलब एक वो हो चुका है, मिस्टेक हो चुकी है, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी गेम प्ले में कोई मिस्टेक नहीं हुई है। मुझे इन सब बंदों को एक ने एक तो फिनिशर देना था यार, बट मैं एक बंदे को भी फिनिशर नहीं दे पाया, मैं भूल गया मतलब। और यह मैच बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है, चलो कोई नहीं, मैच लंबा चला जाए बट यार मैच अच्छा जाना चाहिए। तो यहाँ पर जॉन सीना अटैक कर दिया है रोमन रिंग्स को, और यहाँ पर रोमन रिंग्स आते ही पिटने लगे सेंकी से, जबकि जॉन सीना तो अच्छे खेल रहे थे। सेंकी को आते ही मतलब पिटना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर देखो सेंकी पिनफॉल करा रहा है इतनी जल्दी कोई पिनफॉल हो जाए द ट्राइबल चीफ का, ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ पर सेंकी ने अटैक कर दिया है वीर महान को, और यहाँ पर रोमन रिंग्स पीछे पड़ चुके हैं यहाँ पर जिंदर महाल के। इसी बात का फ़ायदा उठा के यहाँ पर वीर महान ने अटैक कर दिया रोमन रिंग्स पर, और यहाँ पर किसी के पास सिग्नेचर फिनिशर नहीं है, ये एकदम नॉर्मल मैच ही है। और यहाँ पर ये लगा दिया वीर महान ने सुप्लेक्स। तो आप मतलब कमेंट में भी बता सकते हो कि आप किसका मैच किसके साथ कराना चाहते हो, वो भी मैं मतलब मैच की वीडियो लाऊँगा। यहाँ पर अभी तो रोमन रिंग्स पिट रहे हैं पता नहीं क्यों। और गाइस, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और यहाँ पर देख सकते हो अब रोमन रिंग्स ने वीर महान को पीटना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर अब रोमन रिंग्स की बॉडी येल्लो हो चुकी है। तो चलो, अब रोमन रिंग्स ने वीर महान को तो रिंग के अंदर फेंक दिया है, बट रोमन रिंग्स ने जिंदर महाल को पीटना शुरू कर दिया पता नहीं क्यों। रोमन रिंग के अंदर जाओ और यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ है, और ना ही बाहर मतलब काउंट आउट होगा, इसलिए ये बाहर लड़ रहे हैं मतलब इतना। और यहाँ पर फिर से रोमन रिंग्स पिटना चालू हो गए हैं। मुझे तो लगता है सबसे पहले एलिमिनेशन रोमन का ही होगा, क्योंकि बॉडी पार्ट ऑरेंज हो चुका है बताओ इतनी जल्दी। यहाँ पर रोमन ने रिवर्स कर दिया है, और अब रिंग के अंदर जाओ दोनों जने। तो चलो, दोनों बंदे रिंग के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर रोमन का सिग्नेचर आने वाला है, जबकि रोमन तो इतना पिट रहे हैं तब भी उनका सिग्नेचर आने वाला है, मतलब थोड़ा बहुत कम रह गया है बस। रोमन एक आध और पंच मार दे तो सिग्नेचर आ सकता है। और यहाँ पर ये देखो वीर महान स्टाइल मारने लगा, यहाँ पर रोमन भी उठ चुके हैं, और यहाँ पर आ चुका है सिग्नेचर रोमन रिंग्स का, बट पता नहीं सिग्नेचर यूज़ कब करे। तो यहाँ पर हाथ तोड़ दिया है रोमन रिंग्स ने वीर महान का। तो यहाँ पर रोमन, हाथ तोड़ने से कुछ नहीं हो रहा, जल्दी से अपना सिग्नेचर लगाओ। तो यहाँ पर वीर महान बाहर चला गया था मतलब, और यहाँ पर आते ही सुप्लेक्स, और यहाँ पर सेंकी टैग मारा था वीर महान से, और रोमन ने ये लगाया पावर बॉम्ब, बट रोमन का सिग्नेचर होते हुए पता नहीं रोमन सिग्नेचर क्यों नहीं लगा रही। और यहाँ पर देखो ये सेम की टैग मांग रहा है, और वीर महान कर दिया टैग लो वीर महान ने, और यहाँ पर इधर से टैग मिल चुका है जॉन सीना को। और ये सेम की देखो टॉप रोप पर चल रहा है, हाई प्लेयर सुपरस्टार बन रहा है देखो। और ये जॉन सीना की कनेक्ट भी हो गया, पता नहीं जॉन सीना ने रिवर्स क्यों नहीं करा। और यहाँ पर बस पिनफॉल 1 2, अरे इतनी जल्दी कैसे पिनफॉल हो जाएगा, पहले सिग्नेचर या फिनिशर तो लगाओ सेंकी। और देखो यहाँ सेंकी ने डांस करना शुरू कर दिया, और जॉन सीना के पास सिग्नेचर आने वाला है बस 2-3 पंच जॉन। और यहाँ पर जॉन सीना के पास सिग्नेचर आया है, तो ओके यहाँ पर आ चुका है जॉन सीना के पास सिग्नेचर। यहाँ पर जॉन सीना अब पता नहीं वीर महान के पीछे पड़ रहे हैं, जबकि लीगल आदमी सेंकी है, तो जॉन सीना सेंकी के पीछे जाओ। तो यहाँ पर ये फिर से बंदे रिंग के बाहर लड़ना शुरू कर दिए, अरे भाई रिंग के अंदर जाओ, यहाँ पर पिन फॉल थोड़ी ना हो रहा है, फॉल्स काउंट एनी पर थोड़ी ना है, मैच नॉर्मल मैच है। तो
तो यहाँ पर जॉन सीना तो आ चुके हैं रिंग के अंदर, बट यहाँ पर सेंग की उठ नहीं रही है पता नहीं क्यों। अगर यहाँ पर अभी काउंट आउट हो रहा होता तो शायद से सेंग के एलिमिनेट भी हो जाते। तो यहाँ पर अब जॉन सीना पड़ चुके हैं जिंदर महल के पीछे, और ये सेंग की पता नहीं कैसे कैसे मूव लगा रहे हैं, जॉन सीना को लग भी नहीं रही। और गाय यहाँ पर सिग्नेचर आ चुका है जॉन सीना के पास, और ये लगा दिए वैली टू वैली। और अभी भी वे बंदे रिंग के अंदर नहीं जा रहे हैं पता नहीं क्यों। ये क्या टेबल तोड़ना है सेंग की कैसे, मतलब जॉन सीना के ऊपर लगता हुआ ऐसा ही रहा है, मतलब सेंग की रिंग के अंदर ले गया जॉन सीना को, तो के यहाँ पर जॉन सीना को अंदर फेंक दिया है सेंग की ने रिंग के अंदर। और जॉन सीना आप सिग्नेचर चला दो, मतलब क्या ही वेट करना। और ये जॉन सीना मतलब सेंग की टीम के पीछे क्यों आते हैं, कभी मेहमान को पीटने लगते हैं, मतलब कभी जिंदर माल होते हुए जिंदर माल को पीटना शुरू कर दिया। और वहाँ पर सेंग की रोमन रिंग और ब्रोक के समय से बढ़ रहा है, बट रोमन रिंग से ने रिवर्स कर दिया है। और ये देखो इस बंदे ने ब्रोक के समय को रिंग में पटक दिया। और ये जॉन सीना लीगल आदमी ये नहीं, लीगल आदमी सेंग की है। और यहाँ पर टैग मिल चुका है वीर मान को। और यहाँ पर ब्रोक लेसनर रिंग के अंदर स्टैंड पड़े हैं। ये जॉन सीना को पता नहीं क्या हो गया, जॉन सीना अंदर जाओ रिंग के। तो यहाँ पर आप देखो ये सेंग के पीछे पड़ गए जॉन सीना। तो यहाँ पर ये देखो ब्रोक लेसनर पिट रहे हैं वीर मान से, और सेंग की जॉन सीना को अंदर फेंक दो। ये सही करा, मतलब लीगल आदमी वीरवाण है जॉन सीना वैसी बाहर, मतलब टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और यहाँ पर जॉन सीना के पास फिनिशर आ चुका है, बट वीरवाण मतलब फिनिशर लगाने दे तभी तो। तो यहाँ पर जॉन सीना फिर से रिंग के नीचे जा रहे हैं। ये यार बंदे बार बार सब रिंग के नीचे चले जाते हैं। और वीरवाण आ चुके हैं दूसरी साइड से घूम के, और मतलब ब्रोक लेसनर के पास तो भी सिग्नेचर भी नहीं आया है, बस रोमन और जॉन सीना के पास सिग्नेचर है, जबकि जॉन सीना के पास तो फिनिशर भी आ चुका है, बट रोमन ने अभी तक सिग्नेचर भी नहीं लगाया है, मतलब जॉन सीना ने। तो यहाँ पर वीरवान ने अंदर फेंक दिया है जॉन सीना को रिंग के, और यहाँ पर वीरवान खुद भी आ चुके हैं। जॉन सीना एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा दो यार। तो यहाँ पर जॉन सीना रेफरी से टकरा गए थे, और मे भी फिनिशर लगा दिए, नहीं फिनिशर मिला है यहाँ पर पिनफॉल। अरे रेफरी टकरा गई, और यहाँ पर वैसे भी पिनफॉल छुड़ाने ब्रोक लेसनर आ गई थी। और यहाँ पर जिंदर महल भी आ चुके हैं रिंग में, और उन्होंने पटक दिया है ब्रोक लेसनर को रिंग के बाहर। यहाँ पर फिर से वैली टू वैली, यार जॉन सीना फिनिशर लगाने का प्लान है आज या नहीं है। तो यहाँ पर टैग कर दिया है रोमन रेंस को भी, मतलब जॉन सीना ने। और यहाँ पर रोमन रेंस देखो ये दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर दिमाग है। यहाँ पर टैग मिल चुका है जिंदर महल को, और यहाँ पर जिंदर महल के पास ना ही सिग्नेचर है ना ही फिनिशर है, सिग्नेचर आने वाला है वैसे तो। और यहाँ पर फिर से पिनफॉल वन, तो यहाँ पर वन ही हुआ, ब्रोक लेसनर आ गए थे बचाने के लिए। और यहाँ पर सेंग की आ चुके हैं रिंग के अंदर, और उन्होंने फेंक दिया है ब्रोक लेसनर को। तो यहाँ पर रोमन मतलब बहुत जल्दी अपना फिनिशर लगा देते हैं, बट रोमन पता नहीं क्यों पिट रहे हैं इस मैच में, मतलब फिनिशर है तो नहीं बट सिग्नेचर भी होता है, तो वो भी रोमन रिंग जल्दी लगा देते हैं। बट यहाँ पर रोमन पता नहीं क्यों पिट रहे हैं, मतलब मैच को लंबा कराना है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर रोमन रिंग टैग करने के लिए जा रहे थे जॉन सीना को, बट यहाँ पर चंद्रवाल ने रोक लिया। और यहाँ पर चंद्रवाल कूद चुका है टॉप रोप से, रोमन ना ही रिवर्स कर रहे ना ही मतलब अपना सिग्नेचर दे रहे। तो यहाँ पर ये उठा के अब रिवर्स कराए रोमन रिंग से, ये पावर बॉम्ब। यहाँ पर पिनफॉल वार्ड टू, और टू नहीं हो पाया, सेंकी ने बचा लिया। तो यहाँ पर अरे यार ये क्या लिख के आ जाता है हर मैच में। तो यहाँ पर देख सकते हो जिंदर महल जा रहा है टैग देने के लिए वीर महल को। तो यहाँ पर रोमन स्टाइल मारने में बिजी है, और मे भी मिल जाएगा टैग, नहीं मिला क्योंकि जिंदर महल खड़ा हो गया था, इसलिए वीर महल को टैग नहीं मिला। और यहाँ पर रोमन के पास सिग्नेचर आ चुका है, फिनिशर भी आ ही चुका है, आ गया लो। और यहाँ पर रोमन ने अभी तक नया ही सिग्नेचर लगाया है, और फिनिशर आ चुका है। देखते हैं फिनिशर कितने टाइम में आते हैं रोमन। तो यहाँ पर ब्रोक लेसनर को टैग क्यों करा यार, ब्रोक लेसनर के पास सिग्नेचर भी नहीं है ना ही फिनिशर है, बट इन बंदों मतलब पता नहीं मैं क्या कहूँ,
यहाँ पर इस ब्रॉक लेसनर के पास नाइस सिग्नेचर और नाइस फिनिशर है, बट रोमन ने फिर भी टैक कर दिया कि रोमन के पास तो दोनों मतलब फिनिशर और सिग्नेचर दोनों थे। यहाँ पर जर्मन सुप्लेक्स दे दिया है ब्रॉक लेसनर ने, यहाँ पर पिनफॉल तो होने देंगे नहीं, यहाँ पर एलिमिनेशन करना होगा, मतलब एलिमिनेशन ऑन है तो एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पर सैंगी को वैसे ही मतलब फ्री में अंदर पटक दिया है ब्रॉक लेसनर ने, और यहाँ पर सैंगी को अंदर पटकने के बावजूद भी यहाँ पर जिंदर को वीरवान को पीट रहे हैं यहाँ पर ब्रॉक लेसनर। ये देख सकते हो ब्रॉक को मतलब बीस्ट मोड ऑन हो चुका है, और यहाँ पर देखो जॉन सेना ने भी आते हैं इनकी धुनाई करनी स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पर जो वीरवान थे वो स्टंट थे लेकिन वो अब स्टंट मीटर होगा जा चुका है तो स्टंट से हट गए हैं वो। तो आज इस मैच में मतलब कोई भी बंदा फिनिशर और सिग्नेचर देने को मतलब वो नहीं है, राजी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो जॉन सेना के पास सिग्नेचर तो चलो चला गया बट फिनिशर तो अभी भी है, लेकिन मतलब फिनिशर नहीं दे रहे जॉन सेना, पता नहीं क्यों। इस मैच का मतलब मुझे ये नाम रखना चाहिए, नो फिनिशर विन मैच, मतलब यार कोई मतलब बंदा ना फिनिशर दे रहा ना सिग्नेचर दे रहा, ना ही मतलब इंडियंस की टीम में से कोई फिनिशर या सिग्नेचर दे रहा है और ना ही खतरो टीम में से। तो यहाँ पर जॉन सेना ग्रैपल करके क्या करना चाह रहे हैं पता नहीं, मे बी जॉन सेना टेबल तोड़ते शायद से फिनिशर से अपने। तो यहाँ पर अरे जिंदर माल देखते तो फैको जॉन सेना को सेंगी के पैर में भिड़ा है बार बार। तो यहाँ पर ये देखो अब जिंदर माल भिड़ गया मतलब सेंगी के पैर से। तो यहाँ पर जॉन सेना देखो स्टाइल मारने लगे इतनी जल्दी, ये स्टाइल मारने की जल्दी जॉन सेना, फिनिशर तो तुम्हारे पास वैसे भी है, तो ये पता नहीं रिंग के बाहर ही लड़ते रहेंगे रिंग के अंदर भी जाएंगे, ये मैच को लंबा खींचने वाले हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ पर सिग्नेचर तो मतलब सबके पास ही है, और यहाँ पर जो जिंदर महल है उसके पास सिग्नेचर नहीं है बट उसके पास भी फिनिशर है। तो यहाँ पर वीर महान है वो सेंकी है लीगल आदमी, और ये देखो ये सेंकी का टीममेट बाहर वैसे ही मतलब जॉन सेना को पीट रहे हैं, और जॉन सेना जल्दी से रिंग में जाओ और या तो टैग करो या फिर अपना फिनिशर लगाओ किसी एक को तो मतलब नॉकआउट करो। तो यहाँ पर अब मतलब इन बंदों की हेल्थ इतनी कम हो चुकी है कि एक फिनिशर में भी नॉकआउट हो सकते हैं मतलब। तो यहाँ पर देखो रिंग के अंदर ब्रॉक लेसनर स्टंट पड़े हैं, और यहाँ पर जॉन सेना रिंग के अंदर पता नहीं क्यों नहीं जा रहे हैं यहाँ पर देखो। तो चलो सही करा है मतलब जॉन सेना ने वीरवान को उधर साइड फेंक दिया, और यहाँ पर सेंग की अब लीगल मैन है मतलब, और जॉन सेना सुपर ए को जा रहे थे बट सेंकी ने रिवर्स कर दिया, और ये मतलब जॉन सेना रेम स्टेडियो की तरह मुँह क्यों लगाते हैं पता नहीं। तो यहाँ पर पिनफॉल तो अभी होगा नहीं, सेंकी की हेल्थ सब बंदों में सबसे ज़्यादा है, तो मतलब ऐसे ही मतलब ब्रॉक लेसनर की खतरों टीम में सबसे कम हेल्थ है। और यहाँ पर सेंकी फिनिशर लगाने जा रहा था जॉक स्लैम बट जॉन सेना ने रिवर्स कर दिया और डीनीटी लगा दी है। अरे जॉन सेना स्टाइल मत मारा करो, अब तो वीरमान को टैग मिल जाएगा मुझे लगता है ये स्टाइल मारने के चक्कर में। तो उसके बाद यहाँ पर वीरमान को टैग मिल चुका है, ओ भाई साहब ये करा ना जॉन सेना ने, तो यहाँ पर ए लगा दिया है वीरमान को, बट यहाँ पर पिनफॉल नहीं हुआ क्योंकि जिंदर माल बचाने आ गए थे। और यहाँ पर वीरमान के पास एक फिनिशर है जो कि पता नहीं क्यों नहीं लगा रहे वीरमान, बड़ी मुश्किल से मतलब एक फिनिशर लगाए पूरे मैच में जॉन सेना ने, और अब जॉन सेना आप टैग करो मतलब। तो यहाँ पर जॉन सेना जा रहे हैं टैग देने, और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर को मिल चुका है टैग, और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर के पास मतलब ओनली सिग्नेचर है और कुछ नहीं है फिनिशर विनिशर, और मतलब ये ब्रॉक लेसनर पता नहीं क्यों इनके कॉर्नर में जा रहे थे, और यहाँ पर नी मारी है यहाँ पर वीरवान को ब्रॉक लेसनर ने बट वीरवान ने रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पर जल्दी से ब्रॉक लेसनर मतलब अपने वो लगाओ ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स सिग्नेचर, तो यहाँ पर टैग मिल चुका है सेंकी को, और यहाँ पर ये देख सकते हो जर्मन सुप्लेक्स लगा दिया है वो भाई साहब, मतलब मैं क्या कहूँ सिंपल मूव में मतलब सेंकी वो एलिमिनेट हो गया, ये पता नहीं क्या चल रहा है मैच में, मैं कह नहीं रहा था मतलब ऐसी इतनी बहुत को मेहनत कर दी है कि एक फिनिशर में भी बंदा चला जाएगा।
और अब यहाँ पर टैग कर दिया है ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को, और यहाँ पर रोमन रेंस के पास फिनिशर और सिग्नेचर दोनों हैं, और यहाँ पर पता नहीं क्यों आज रोमन रेंस पिट रहे हैं इतना। तो यहाँ पर फिनिशर लगा दिया है जिंदर महाल ने अपना, तो यहाँ पर रोमन हो चुकी है स्टंड। तो यहाँ पर पिनफॉल तो मुश्किल से ही होगा क्योंकि जॉन सीना भी बचाने आ गए हैं, और वैसे भी स्टंड रिकवरी भी आएगी वो रेजिलेंसी। तो यहाँ पर अब रोमन रेंस के पास अभी भी मतलब फिनिशर है, पता नहीं क्यों रोमन फिनिशर नहीं दे रहे। और यहाँ पर जिंदर महाल की बॉडी रेड हो चुकी है, जिंदर महाल कभी भी जा सकते हैं मतलब। और यहाँ पर ये पता नहीं क्या दे दिए समोन ड्रॉप। तो रोमन जल्दी से सिग्नेचर तो चला गया रोमन का, बट फिनिशर तो लगाओ रोमन, मतलब एक फिनिशर में ही जिंदर महाल जा सकता है। और यहाँ पर ये देखो बाहर जॉन सीना पिट रहे हैं, और ये डीनी की। यहाँ पर रोमन मुझे लगता है नेक्स्ट एलिमिनेशन रोमन का होने वाला है, क्योंकि तो रोमन पता नहीं क्यों इतना पिट रहे हैं जबकि फिनिशर होते हुए भी। तो यहाँ पर ये समोन ड्रॉप, और भाई साहब रोमन ने भी मतलब विदाउट फिनिशर दिए एलिमिनेट कर दिया यहाँ पर जिंदर महाल को, मतलब समोन ड्रॉप से ही। ये मैच है पता नहीं क्या चल रहा है आज के मैच में, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का ध्यान रखूँगा, पक्का मुझे बंदे को फिनिशर जोर देना है शुरू में मतलब मैच में। तो यहाँ पर मैं सोच रहा था रोमन फिनिशर के लिए जा रहे हैं, बट ये वीर महान खड़ा हो गया, और अभी भी रोमन के पास फिनिशर है, क्योंकि रोमन ने फिनिशर तो आज के मैच में दिया ही नहीं है मतलब, और ना ही ब्रॉक लेसनर ने दिया है। तो यहाँ पर टैग मिल चुका है ब्रॉक लेसनर को, और अब तो ब्रॉक लेसनर के पास भी फिनिशर है। तो ब्रॉक लेसनर जल्दी से मतलब F5 या फिर ट्रिपल जर्मन सुप्लेक्स लगाओ सिग्नेचर। यहाँ पर पिनफॉल तो अभी होगा ही, यहाँ पर 1-1 में कट आउट कर दिया है। तो यहाँ पर पता नहीं ब्रॉक लेसनर क्यों F5 नहीं लगा रहे, तो DDT। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर भी पिट रहे हैं, बस इस मैच में मतलब जॉन सीना ने बहुत अच्छा मतलब वो करा है, नहीं तो मतलब सब पिट रहे हैं। तो यहाँ पर ये सबमिशन में फंसा दिया है वीर महान ने, बट ब्रॉक लेसनर सिंपल मतलब सबमिशन से टैप आउट नहीं करेंगे। तो ओके यहाँ पर छुड़ा लिया है ब्रॉक लेसनर ने सबमिशन से, और यहाँ पर देखो ये जिंदर महाल जा रहा है एलिमिनेट होकर, और यहाँ पर F5 का टाइम में भी आ चुका है, मतलब आज F5 लगाना है या नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ये देखो वीर महान ने टारगेट चेंज कर लिया, और यहाँ पर जोर से रखा तो गिरा दिया, बट रोमन रेंस ने रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पर फिनिशर ब्रॉक लेसनर के पास दूसरा भी आने वाला है, और ब्रॉक लेसनर प्लीज़ फिनिशर लगा दो यार। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो भी बहुत धांसू आने वाली है और जल्दी आने वाली है, मतलब अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो यहाँ पर वीर महान पता नहीं क्या करना चाह रहा है, और ये यार ये मैसेज बार बार क्यों आता है पता नहीं। यहाँ पर पिनफॉल 1-2, बट यहाँ पर हमारे द ट्राइबल चीफ आ चुके हैं। तो ये वीर महान पता नहीं को टारगेट चेंज कर लेता है, और ये क्यों बढ़ रहे हैं दोनों जने, और ये क्या लगाया वैल्यू टू वैली। तो यहाँ पर पिनफॉल तो नहीं होगा, रेजिडेंस यूज कर सकता है वीर महान 1-2, और विदाउट रेजिडेंस यूज करे किक आउट भी कर दिया वीर महान के पास। 3 फिनिशर हो चुके हैं भाई साहब आज के मैच में, वीर महान को फिनिशर नहीं देना है, और ख़त्म मैच भाई ख़त्म, लगा दिया है फाइनली F5। तो भाई यहाँ पर जीत चुकी है हमारी खतरू टीम, यहाँ पर मेरे चैनल पे भी खतरू टीम की स्ट्रीक जारी हो चुकी है, मतलब अभी इन तक नहीं आ रही है, और यहाँ पर जीत चुके हैं रोमन रेंस, जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर। तो भाई आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी नींद वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।